हाय एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू यूट्यूब चैनल वर्तिका आनंद। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ह्यूज अफोर्डेबल डिज़ाइनर लहंगा कलेक्शन हॉल शेयर करने वाली हूँ Creeva.com से। गाइस, सभी लहंगाज के लिंक्स लाइन वाइज मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास है 5 प्रोडक्ट्स आप लोगों को दिखाने के लिए। मैं आप लोगों के साथ अनबैगिंग, अनबॉक्सिंग, रिव्यू, ट्राई ऑन हॉल शेयर करने वाली हूँ। गाइस, www.creeva.com पर स्पेशलाइज्ड कलेक्शन ऑफ डिज़ाइनर सलवार सूट्स एंड लहंगा चोलीज आर अवेलेबल। और साथ ही में ना वेबसाइट पर इंट्रोडक्टरी ऑफर में आपको सभी प्रोडक्ट्स पर 50% ऑफ मिल रहा है। ऑल्सो अगर आप प्रीपेड ऑर्डर करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 5% ऑफ भी मिल जाएगा। जो पहला प्रोडक्ट मेरे पास है वो है चार्मिंग फेरी पिंक एंड बेज सॉफ्ट नेट डिज़ाइनर लहंगा चोली। तो Creeva की वेबसाइट पर स्क्रीन पर कैसा दिखाया गया है पहले तो आप साइड बाय साइड वो देख लीजिए। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, वेरी वेरी प्रिटी। बेज गोल्डन चोली और पिंक नेट का फ्लेयर वाले स्कर्ट के साथ में बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। प्रोडक्ट का प्राइस अप्रॉक्स आपको 3200 रुपीज़ पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कैसा मुझे रिसीव हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले तो पैकेजिंग की अगर मैं बात करूँ तो प्रोडक्ट्स मेरे पास बैग में बहुत ही अच्छे से पैक होकर के आए थे। और जो ये इनर पैकेजिंग है ये भी काफ़ी अच्छी है। सभी प्रोडक्ट्स इस तरीके के अच्छे से प्लास्टिक के बैग्स में रिसीव हुए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दुपट्टा दिखा रही हूँ बिकॉज दुपट्टा इज स्टीलिंग माई हार्ट। बहुत ही खूबसूरत है दुपट्टा। सो दुपट्टा इस तरीके का पिंक नेट का आएगा। साइड में ये बेज इस तरीके के सीक्वेंस लगे हुए हैं, मैट फिनिश वाले काइंड ऑफ सीक्वेंस है, ये चमकीले वाले नहीं है, विच एक्चुअली लुक्स वेरी क्लासी एंड ट्रेंडी। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इस तरीके से गोल गोल कट वाला डिज़ाइन भी ये पूरे के पूरे बॉर्डर पर इन्होंने दिया हुआ है। 2.25 मीटर का लग रहा है दुपट्टा, काफ़ी अच्छी लेंथ है। और बीच में भी आप देख सकते हैं पूरे नेट में ऐसे सीक्वेंट का ये फ्लावर टाइप सा इन्होंने राउंड राउंड बनाया हुआ है थोड़ी थोड़ी दूरी पर, विच मेक्स इट लुक एक्स्ट्रा प्रिटी। एंड देन साइड में ये नलकी टाइप कुछ होता है ना, इस तरीके से ये लगा हुआ है जो साइड्स वाले बॉर्डर्स हैं उन पे, जैसा कि वेबसाइट पर स्क्रीन पर दिखाया था एग्जैक्टली वैसा दुपट्टा यहाँ पर रिसीव हुआ है। और दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। गाइस, अब चोली देख लेते हैं। तो चोली के लिए सबसे पहले तो ये इनर प्रोवाइडेड है बेज कलर का। हद से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का मैं बोलूँगी इसके कपड़े को। काफ़ी सॉफ्ट है टेक्स्चर में, बहुत ही ज़्यादा वेलवेटी टच वाला कपड़ा है, कंफर्टेबल टाइप वाला कपड़ा है। बहुत अच्छी क्वालिटी का इनर इन्होंने ये प्रोवाइड किया है। अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक ये 1 मीटर का होगा तो आराम से भी आपको 46+ साइज़ तक का तो इनर इससे बन ही जाएगा। बाकी एक बार चोली का ये भी देख लेते हैं जो मेन कपड़ा आएगा। सो ये नेट का इन्होंने चोली का कपड़ा प्रोवाइड किया है। ओके, सो येस, ये आपका 46-48 बस साइज़ तक भी अप टू आराम से बन जाएगा बिकॉज बहुत अच्छी क्वांटिटी में इन्होंने कपड़ा प्रोवाइड किया हुआ है। तो इस तरीके का ये बेज का नेट आ जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर में आप देख सकते हैं ये गोल्डन कलर का थ्रेड वर्क है और साथ में सीक्वेंस स्टिच किए हुए हैं उसी के साथ में। और बहुत ही खूबसूरती से किया गया है, कुछ भी नहीं टूटेगा। बहुत फाइन मैं बोलूँगी, बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। तो इस तरीके से ये पूरे में ऐसे चलता जाएगा। सो आप इसकी चाहें तो चोली की स्लीव्स भी बनवा सकते हैं, चाहें तो ना भी बनवाएं। कोई बैकलेस या स्ट्रैपलेस कुछ अच्छा सा डिज़ाइन बनवा सकते हैं। नीचे वाला जो कपड़ा है उसको आप स्ट्रैपलेस रखें और फिर इसको ऊपर वाले को पूरा आप कवर्ड रखें, नेट वाला लुक यहाँ पे आ जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत मैं बोलूँगी चोली जो है। एंड देन अब यहाँ पर मेरे पास है ये स्कर्ट। तो गाइस, स्कर्ट की बेल्ट आप देख सकते हैं, बहुत पतली भी नहीं है बट बहुत चौड़ी भी नहीं है, मीडियम है तो चल जाएगी। अच्छा लुक आने वाला है वेस्ट पर बहुत ही। और अंदर का इसका जो कपड़े की क्वालिटी है वो सैटनी सॉफ्ट टाइप का है, कुछ वेलवेटी टच वाला। तो काफ़ी कंफर्टेबल और अच्छी क्वालिटी का इसको मैं कहूँगी। और फिर यहाँ पर नेट का है आगे का जो लुक हमारा आएगा स्कर्ट का। तो नेट की जो चुन्नटें आप देख सकते हैं बहुत ही पास पास में दी गई है, तो इस वजह से ना फ्लेयर जो है बहुत ही अच्छा आने वाला है। और पास पास में ही यहाँ पर एक एक सीक्वेंस दिया हुआ है जिसके आसपास में गोल्डन कलर का थ्रेड वर्क दिया हुआ है, जिससे कि लुक जो है बहुत अच्छा आने वाला है। सो ये सेमी स्टिच्ड आएगा पूरा लहंगा, सभी लहंगा सेमी स्टिच्ड है और इसी तरीके से चलता जाएगा। और नीचे को फिर आप देख सकते हैं इस तरीके से बॉर्डर आ जाएगा और बॉर्डर में बहुत सारे गोल्डन कलर के सीक्वेंस ये इस तरीके से लगे हुए हैं, विच मेक्स द लहंगा स्कर्ट लुक वेरी वेरी प्रिटी एंड अट्रैक्टिव। कैन की मैं बात करूँ तो अंदर कुछ बहुत सारे ऐसे कैन तो नहीं है बट एक हल्का सा ये वाला जो चीज़ होता है ना नेट टाइप का, ये थोड़ा खड़ा खड़ा लुक जो बॉर्डर्स पे दे पाता है वो चीज़ लगी हुई है बॉर्डर्स में, तो हल्का सा फ्लेयर वाला लुक नीचे की तरफ आ जाएगा। एंड ओवरऑल जो लहंगे की स्कर्ट है बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही है। सारा कुछ जैसा इन्होंने वेबसाइट पर पिक्चर पर दिखाया था एग्जैक्टली वैसा रिसीव हुआ है। वेस्ट साइज़ की अगर मैं बात करती हूँ तो अप टू 42 इंचेस वेस्ट साइज़ तक ये आ जाना चाहिए है। एंड रेफरेंस के लिए मैं आपको बता देती हूँ, मेरी हाइट 5'3" है और मैंने 3.5 to 4 इंचेस की हील्स पहनी हुई हैं और मेरे ऊपर कैसा आया हुआ है आप ये अपना साइड बाय साइड स्क्रीन पर देख रहे हैं। आई जेन्युइनली लव दिस लहंगा वे टू मच। पूरा इसका काम बहुत फाइन है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइस के हिसाब से ये बहुत अफोर्डेबल है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइज, वीडियो के टाइटल को क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिख जाएगा, वहाँ से आप इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मेरे पास है वो है एन्चेंटिंग ग्रीन फ्लेयर्ड ऑर्गेन्जा लहंगा चोली सेट। वेबसाइट पर स्क्रीन पर देख लेते हैं पहले कैसा दिखाया गया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, सिंपल अट्रैक्टिव, बहुत प्यारे लग रहा है, फ्लावर्स गार्डन में जैसे ब्लूम कर रहा हो। सो सिंपल एंड वेरी अट्रैक्टिव एंड आजकल इस तरीके के लहंगे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। प्रोडक्ट की प्राइस की बात करूँ तो इट इज़ प्राइस एट 2850 रुपीज़। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर मुझे कैसा रिसीव हुआ है। सो सबसे पहले चोली देख लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर या 1.25 मीटर कुछ कपड़ा यहाँ पर रिसीव हुआ है। लाइक अच्छी खासी क्वांटिटी है, 46 बस्ट साइज़ तक आराम से भी बन जाएगा। बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, ऑर्गेन्जा सिल्क बोला ना इन्होंने, इट इज़ बट वेरी नाइस फैब्रिक, लाइक बहुत अच्छी क्वालिटी का मैं बोलूँगी इसको। बहुत सिल्की है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत स्मूथ है। प्रिंटिंग डिजिटल वाली दी गई है, आई थिंक ये आई डोंट नो डिजिटल है कि नहीं है, बट बहुत अच्छी प्रिंटिंग है ये। काफ़ी अच्छे से किया, मतलब बहुत स्मूथ बोलूँगी मैं फैब्रिक को, काफ़ी अच्छा फैब्रिक बोलूँगी। इस तरीके का प्रिंट आ जाएगा। सो बहुत सोफिस्टिकेटेड सा सिंपल सा बहुत ही प्यारी सी स्ट्रैप्स वाली चोली आप इससे बनवा सकते हैं, या जैसे आपका मन करे स्लीव्स वाली, या जैसे भी दिल करे। और इसी तरीके का प्रिंट आपका पूरे लहंगे पर आ जाएगा। सो लहंगा की स्कर्ट में आपको एक बार दिखाऊँ उसके पहले आई वुड लाइक टू शो यू गाइज द दुपट्टा, बिकॉज इट इज़ हैविंग अ यूनिक एंड डिफरेंट कंसेप्ट। लाइक पूरा जो लहंगे का कंसेप्ट है ना, तो ये पूरा का पूरा आपका रेड कलर का सीक्वेन वर्क से भरा हुआ, लाइक लिटरली इट इज़ भरा हुआ, सीक्वेन वर्क का भरा हुआ दुपट्टा आ जाएगा। सो बिल्कुल लाइक ऐसे ही रहेगा, कुछ बॉर्डर्स अलग से नहीं दिए हुए हैं, पूरा इस तरीके से आ जाएगा ये आपका सीक्वेन का, ठीक है। और इसकी विड्थ अच्छी है, ठीक है, लेंथ भी इसकी मैं बोलूँगी काफ़ी अच्छी दी गई है दुपट्टे की, 2 मीटर आराम से भी होगी ये, 2-2.25 मीटर। यूनिक एंड नाइस कंसेप्ट, अच्छा लगेगा इस तरीके से पहना हुआ डेफिनेटली। और हाँ, पीछे का जो है ना दुपट्टे का, पीछे का प्लेन ही आएगा, ठीक है, पीछे को सीक्वेन नहीं होएगा, जैसा कि मतलब ऐसा पॉसिबल भी नहीं है मेरे ख्याल से दोनों साइड सीक्वेन होना। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से सीक्वेन बने हुए हैं, बहुत अच्छा सा दुपट्टा यहाँ पर ये पूरा आ जाएगा। एंड गाइज जब आप इस लहंगे को इस तरीके से पहन लेंगे ना 2-4 बार में, अब लहंगे कितने बार पहनते हैं ना हम लोग, लिमिटेड टाइम से पहनते हैं ओकेजन्स में, तो डेफिनेटली ये जो ये सीक्वेन का आपका दुपट्टा है ना, इसको तो आप आगे भी फॉर श्योर यूज़ कर पाएंगे। इनफैक्ट आप इससे अपना कोई टॉप, चोली या कुछ ना कुछ स्टिच भी करवा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं लहंगे की स्कर्ट। 42 to 44 इंचेस वेस्ट साइज़ तक आराम से भी आ जानी चाहिए। मीडियम थिक बेल्ट है, बेल्ट अच्छी लग रही है और साथ में इसके ऊपर बहुत अच्छे से प्रिंट जिस तरीके से दिया है बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर का कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी क्वालिटी का है, कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है इस पूरे लहंगे की। और ये इस तरीके से आप देख सकते हो चुन्नटे पास पास है, तो बहुत अच्छा सा फ्लेयर आएगा पूरे में, इस तरीके से प्रिंट जाएगा ऑल ओवर। ये सेम चलेगा फ्रंट से, बैक से एंड अंदर को। प्रॉपर वाला कैन मैं नहीं बोलूँगी, बट वही जो पिछले वाले में भी मैंने दिखाया था ना उस तरीके का कुछ नेट टाइप वाला कैन यहाँ पर लगा हुआ है, जिससे कि फ्लेयरिंग अच्छे से हमारी लाइक बॉर्डर में थोड़ी बहुत आ पाएगी। एंड ओवरऑल ऊपर से ही चुन्नटे इस तरीके से हैं कि ओवरऑल कुछ फ्लेयर टाइप वाला लुक तो आपको मिल ही जाएगा इससे। एंड इट्स वेरी अट्रैक्टिव लहंगा, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए लाइक इट इज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड न्यू, मुझे उम्मीद नहीं थी, बट इट एक्चुअली लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। एंड गाइज अभी तो मैं जस्ट रैप करके ही दिखा रही हूँ सभी प्रोडक्ट्स को, अपने ऊपर स्टिच तो नहीं दिखा रही हूँ, बट आपको ओवरऑल एक लुक थोड़ा समझ में आ जाएगा कि कैसा लग सकता है। बट इन एनी केस स्टिचिंग के बाद ही असली वाला अच्छा वाला जो लुक है वो आ पाता है। बट जैसा ही वेबसाइट पर दिखाया था वैसा ही रिसीव हुआ है। सो जो क्रीवा पर पिक्चर्स दी गई हैं यू कैन रेफर टू देम, वैसा ही लुक इसे स्टिच करवाने के बाद आने वाला है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मेरे पास है वो है अडोरेबल लाइट ग्रे सॉफ्ट नेट लहंगा चोली। संगीत के लिए ये सभी जो लहंगाज है वेडिंग फंक्शंस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। वेडिंग गेस्ट फंक्शंस के लिए स्पेशली काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एंड इफ़ यू लुकिंग फॉर सम अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स एंड यू आर द ब्राइड योरसेल्फ, तो भी आप इनमें से कोई ना कोई प्रोडक्ट फॉर श्योर ट्राई कर सकते हैं अपने लिए। लाइक जो मैंने पिंक लहंगा दिखाया था, दैट इज़ ग्रेट फॉर एंगेजमेंट एज वेल, वो बहुत खूबसूरत है। ग्रीन लहंगा जो मैंने दिखाया, फॉर श्योर आप मेहंदी पर उसको ट्राई कर सकते हैं या फिर संगीत पर ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मुझे यहाँ पर रिसीव कैसा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद दुपट्टा। एक्चुअली ना इस लहंगे की अंडरटोन्स मैं बोलूँगी कि ग्रे हैं, बट इट्स मोर ऑफ लाइक स्काई ब्लू कलर का लहंगा। इट्स वेरी मच इन ट्रेंड दीज डेज। सो गाइज बहुत प्रिटी अट्रैक्टिव इस तरीके का ये दुपट्टा आएगा। लाइक आप देखिए साइड्स के जो बॉर्डर्स है ना, वो इस तरीके से बने हुए हैं। पतला सा यहाँ पे लेस लगेगा और फिर नीचे सिल्वर सीक्वेंस आ जाएगा, और ये पूरे में छोटा छोटा सा सीक्वेंस का इस तरीके से फिर काम ऑल ओवर दुपट्टे में आ जाएगा। चारों तरफ के बॉर्डर सेम रहेंगे, पतले से सीक्वेंस वाले। तो चोली हमारी इस तरीके से आएगी। आप 44 इंचेस बस साइज तक आराम से भी सिलवा सकते हैं चोली को, या जैसे आपका मन करे, बिकॉज ये इस तरीके से दी गई है। आपका जैसे मन करे वैसा डिज़ाइन आप बनवा सकते हैं। इस तरीके का नेट का कपड़ा है। नेट के ऊपर आप देखेंगे सीक्वेंस के डिज़ाइन बने हुए हैं। गोल्डन अंडरटोन्स वाला सिल्वर सीक्वेंस मैं इसको बोलूँगी। बहुत ही प्यारा सा कलर है, लाइट एंड नाइस एंड वेरी ब्यूटीफुल। लाइक चोली और दुपट्टा तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम देखते हैं लहंगे की स्कर्ट। तो लहंगे की स्कर्ट में अंदर का जो कपड़ा है वो कुछ ग्रे बेज टाइप का आ जाएगा, इस तरीके का पिंकिश अंडरटोन वाला, और बहुत सॉफ्ट है, अच्छी क्वालिटी का है। बाहर को फिर नेट लगा हुआ है, ये स्काई ब्लू कलर का नेट है। चुन्नटें अच्छी बनी हुई है और पूरे में सिल्वर सीक्वेंस का जो काम है वो चलता जाएगा। सो ओवरऑल इस तरीके से नीचे तक जाता जाएगा, और फिर नीचे को फिर बॉर्डर आ जाएगा ना, वो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। ये ब्लू कलर के थ्रेड वर्क से दिया हुआ है, और इसके ऊपर गोल्डनिश सिल्वरिश अंडरटोन वाले सीक्वेंस जो है वो पूरे में बॉर्डर्स में लगे हुए हैं। फ्रंट एंड बैक ये सेम आ जाएगा इस तरीके से। एंड अब मैं आपको साइड बाय साइड इसको समहाउ अपने ऊपर रैप करके दिखा देती हूँ, सो दैट आपको एक लुक समझ में आ जाएगा कि कैसा आएगा। सो वेरी मच सिमिलर टू व्हाट इज शोन ऑन वेबसाइट, इनफैक्ट मैं बेटर ही बोलूँगी उससे। दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। मेरे पास है वो है पाइनएप्पल येलो लहंगा चोली विद जैकेट। वेबसाइट पर स्क्रीन पर कैसा दिखाया गया है, पहले साइड बाय साइड आप वो देख लीजिए। अट्रैक्टिव है, सिंपल है, प्रिटी है। वेडिंग गेस्ट फंक्शंस में आप पहन सकते हैं, यानी नैनी के हल्दी पर ब्राइड्स के लिए बहुत अच्छा है, या फिर कोई बहुत क्लोज रिश्तेदार की लाइक सगे बहन भाई की शादी हो, उनकी हल्दी पर आप इस लहंगे को फॉर श्योर ट्राई कर सकते हैं। देख करके काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। 2600 रुपीज़ का है। अब हम देख लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पर मुझे कैसा रिसीव हुआ है। दुपट्टा बहुत ही प्रिटी है, बहुत प्यारा येलो कलर है, और साइड में ना इस तरीके के ये मेटालिक से गोल्डनिश मेटालिक मोती लगे हुए हैं। डार्क गोल्डन भी नहीं है, लाइट गोल्डन है, सिल्वर अंडरटोन्स वाले, जो एक्चुअली बहुत ट्रेंडी और खूबसूरत लगते हैं। और बीच में ये इसी तरीके के फिर सीक्वेंस के फ्लावर्स पूरे में बने हुए हैं दुपट्टे पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। बॉर्डर्स में चारों तरफ ये मोती लगे हुए हैं। सो जो दुपट्टा है, इट एक्चुअली लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। देन लहंगे की स्कर्ट देख लेते हैं, जो कि एक्चुअली हाइड हो जाने वाली है जैकेट वाली चोली के नीचे, बट स्टिल एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, बिकॉज प्लेन स्कर्ट आएगी। ठीक है, अच्छे कपड़े की है, क्वालिटी ऑफ कपड़ा इज़ रियली रियली गुड। और अच्छे से इसी के अंदर इसी कपड़े का इन्होंने पतले वाले सॉफ्ट कपड़े का इनर भी दिया हुआ है, और इस तरीके से ये पूरा सेम ऑल ओवर जाएगा। ठीक है, सेम ही ये बैक में आ जाएगा। ये प्लेन है, ये एक तरीके से हमारा जो लहंगे का बेस है वो है। सो जो लहंगे की जैकेट है, लाइक चोली जो है वो इस तरीके से आएगी। ऊपर से आपका इस तरीके से नॉर्मल चोली जैसा ही लुक आएगा। स्लीव्स भी हैं, और आपको अपने हिसाब से इसको स्टिच करवाना होगा, ऑल्टर करवाना होगा, जैसे भी आपका जो साइज़ होगा। ये आपका अप टू 44 इंचेस बस्ट साइज़ तक बन करके रेडी हो जाएगा। 42 इंचेस तक तो फॉर श्योर बन जाएगा, 44 तक भी आई थिंक हो ही जाएगा। फिर ये नीचे को इस तरीके का लुक आएगा जैकेट का। ठीक है, इसके ऊपर जैसे थ्रेड वर्क है, सीक्वेंस लगे हुए हैं, तो ऐसे ही ऑल ओवर ये पूरा चलता जाएगा। और फिर नीचे को ये इस तरीके से बहुत सारा बॉर्डर आ जाएगा, फुल लेंथ आएगा, ये पूरा नीचे तक ही चल के आएगा। ठीक है, और पीछे को फिर इसी तरीके से ऐसे पूरे में वर्क दिया, और नीचे को पूरे में ऐसे बॉर्डर आ जाएगा। तो जैसा वेबसाइट पर स्क्रीन पर दिखाया था, एग्जैक्टली वैसा रिसीव हुआ है, और वैसा ही लाइक स्टिच करवाने के बाद में वैसा ही बन करके ये प्रॉपरली रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट अप जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो है डार्क ग्रीन वेलवेट बेस लहंगा चोली। वेबसाइट पर स्क्रीन पर कैसा दिखाया गया, पहले वो देख लेते हैं। स्टनिंग 2450 रुपीज़ का है। मेहंदी फंक्शंस के लिए, वेडिंग गेस्ट फंक्शंस के लिए, संगीत फंक्शंस के लिए काफ़ी खूबसूरत लगता है। ऐसे कलर्स इंडियन स्किन पर बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। न्यूली वेडेड ब्राइड्स होती हैं जो स्पेशली, उन पे मुझे बॉटल ग्रीन, डार्क ग्रीन, इस तरीके के कलर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं पर्सनली। चलिए देख लेते हैं मेरे पास यहाँ पर कैसा रिसीव हुआ है। तो सबसे पहले चोली देख लेते हैं। तो चोली के लिए इस तरीके का कपड़ा रिसीव होगा। पूरा सीक्वन है जिसके ऊपर, पूरे में गोल्डन कलर का सीक्वन अच्छे से स्टिच्ड है और अंदर से इस तरीके का है। आई थिंक अंदर इसके आपको अपना अलग से अस्तर ज़रूर स्टिच करवा के लगवाना पड़ेगा। और ये इस तरीके से पूरा ऐसे गोल्डन शाइनिंग टाइप वाला जो लुक है वो आपको देगा। बट हाँ, बहुत एक्सट्रीम ज़्यादा शाइनी भी नहीं है, क्योंकि हैं ये मैट फिनिश वाले, बट इनमें हल्का सा एक ग्लो टाइप वाला चीज़ जो है ना वो आता है। बिकॉज बहुत सारे सीक्वेंस इकट्ठे लगे हैं और जब लाइट फॉल करती है और लाइट्स पूरे में लगी हुई हैं आसपास में, तो वो फिर हल्का सा ऐसे शाइन टाइप वाला लुक आपको देगा। बट इट्स नाइस एंड डिसेंट ओनली, और खूबसूरत है अगर आपको इस तरीके से सीक्वेंस वाली चोली अच्छी लगती है तो। एंड फिर दुपट्टा देखते हैं। दुपट्टा बहुत ही प्यारा है, वेरी डिफरेंट इस तरीके का आ जाएगा दुपट्टा। बॉर्डर्स आप देख सकते हैं, बहुत अट्रैक्टिव है। गोल्डन सीक्वेंट है, ग्रीन कलर का थ्रेड वर्क है, अच्छे मोटे बॉर्डर्स हैं, बीच में फिर ये वाइट कलर का नेट है जिसके ऊपर को वाइट क्या बोलूँगी मैं, लाइट ग्रीन कहूँगी इसको एक्चुअली, लाइट ग्रीन नेट है जिसके ऊपर ये मीडियम ग्रीन एंड डार्क ग्रीन कलर्स के और गोल्डन कलर्स की जरी का काम दिया हुआ है और बीच में गोल्डन कलर के सीक्वन लगे हुए हैं। तो दुपट्टा बहुत ही भरा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है, काफ़ी सारा काम मिल जाएगा आपको दुपट्टे में। सो बेसिकली इस लहंगे का जो चोली और दुपट्टे का लुक है ना वो काफ़ी हैवी और अट्रैक्टिव और अच्छा सा आएगा। एट द सेम टाइम वहीं फिर जो हमारा लहंगा है उसका लुक, लहंगे की जो स्कर्ट है वो बहुत ही सिंपल बट स्टिल बहुत ब्यूटीफुल आएगा। बिकॉज उस पर पूरे में इस तरीके से ये नग चिपके हुए हैं, बिंदी बिंदी टाइप वाला जो लुक है वो आ जाएगा, विच एक्चुअली लुक्स वेरी क्यूट एंड नाइस। तो ये पूरे लहंगे में ऑल ओवर इस तरीके से आएगा, सेम बिंदी टाइप वाला जो लुक है, और बहुत ही प्यारा अट्रैक्टिव बॉटल ग्रीन कलर है। सो गाइज ये सीक्वेंट नहीं है, ये जो नग चिपके हुए वाले होते हैं ना वो वाले नग ये चिपके हुए हैं। एंड आई जस्ट होप ये अच्छी क्वालिटी के हों, उतरे ना। देख करके तो सही लग रहा है, सेमी स्टिच रिसीव होगा लहंगा आपको। और जो लहंगे की स्कर्ट है ये आपकी 42 इंचेस वेस्ट साइज़ तक आराम से भी बन करके तैयार हो जाएगी। होपफुली 44 तक जा सकता है, बट आई एम नॉट श्योर, 42 इंचेस तक पक्का बन जाएगी। सो ये जो लहंगे की स्कर्ट है इसमें भी अच्छा सा अंदर इनर दिया हुआ है। इनमें से किसी भी लहंगे में कोई प्रॉपर कैन नहीं प्रोवाइडेड है, हल्का सा वो नेट टाइप वाला कैन टाइप वाला चीज़ प्रोवाइडेड है जिससे थोड़ा सा फ्लेयर आ पाएगा लहंगों में। और ये जो पर्टिकुलरली ग्रीन वाला लहंगा, इट इज़ नाइस, इट इज़ ब्यूटीफुल, दिखने में अच्छा है ये, बट अफोर्डेबल वाले उसके हिसाब से मैं बोलूँगी अच्छा है, प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। जस्ट एक चीज़ है, वेबसाइट पर लिखा हुआ था वेलवेट बेस, मुझे कहीं पे कोई वेलवेट बेस इस लहंगे में समझ में नहीं आया है। ये जॉर्जेट का कपड़ा है जो लहंगे की स्कर्ट में है, और जो लहंगे का टॉप पार्ट है दैट इज सीक्वेंट वाला चीज़, और जो दुपट्टा है वो नेट का है। सो दैट्स द थिंग। अदरवाइज जैसा वेबसाइट पर स्क्रीन पर पिक्चर में दिखाया था लहंगा वैसा ही रिसीव हुआ है। सो दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स गाइज। आई होप मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। आप www.creeva.com से इन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वेबसाइट का, और भी प्रोडक्ट्स चेकआउट कर सकते हैं। इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स लाइन वाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी जो मैंने आपको दिखाए हैं। और मेरी वीडियो के टाइटल को क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख जाएगा, वहाँ से आप इन्हें खरीद सकते हैं। ऑल्सो बहुत ही ईजी एक्सचेंज पॉलिसी creeva.com पर अवेलेबल है। आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, आपको नहीं जमता है तो आप उसे एक्सचेंज करवा के कोई दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं। नॉट मच क्वेश्चन आर आस्क्ड, ईजी है ये चीज़। और कस्टमर सपोर्ट की जो डिटेल्स है ना, आप उनको कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। वो सब मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, वहाँ पर आप ज़रूर चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।